हेलो बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं अमिता माली, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बॉटनी के पेपर थर्ड सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग या कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, वो पेपर मैं आपका लूँगी। इसमें 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसमें सेल या कोशिका की स्टडी है, जिसमें हम सेल या कोशिका की संरचना एवं इसके फंक्शंस तथा प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार से कोशिका होती है, उनके ऑर्गेनल्स क्या होते हैं यानी कि कोशिका अंगक, व यूकैरियोटिक में कोशिका की संरचना व कोशिका अंगक क्या होते हैं वो हम देखेंगे। कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेल ऑर्गेनल या कोशिका अंगकों का हम वर्णन करेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं वो हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कौन से हैं और यूकैरियोटिक में कौन से हैं। सेकंड यूनिट में क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संरचना व फंक्शन, डीएनए का वर्णनात्मक अध्ययन करेंगे। यूनिट थर्ड में जेनेटिक्स है, जिसमें कि हम मेंडल के नियमों को समझेंगे तथा विभिन्न प्रकार की जेनेटिक मैकेनिज्म्स का वर्णन करेंगे। यूनिट फोर्थ में जेनेटिक वेरिएशंस, यानी कि विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक विभिन्नताएं को हम समझेंगे। यूनिट फिफ्थ प्लांट ब्रीडिंग की है या पादप प्रजनन की है, जिसमें पादपों के प्रजनन की विभिन्न विधियां व उनमें उन्नत सुधार व विकास की विधियों का वर्णन करेंगे। तो ये जो कोटा यूनिवर्सिटी के जो बीएससी पार्ट फर्स्ट का बॉटनी का सिलेबस है वो है, इसमें हम यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप आगे की जो वीडियो है उनमें इनका वर्णन करेंगे। ओके, थैंक यू।